बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट टू ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। दिस सेक्शन डी कंप्राइज अवर लॉन्ग क्वेश्चन। वी हैव टू राइट दिस लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ short but concise writing. First of all, we look the question number 1. Write a story about the journey of a piece of bread through the digestive system. जी स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है कि एक कहानी लिखनी है, और वो कहानी ऐसे लिखनी है कि जब एक आप जो है ना ब्रेड का पीस, ब्रेड का रोटी का नवाला आप अपने जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं थ्रू द ओरल कैविटी यानी माउथ, मुंह में आप नवाला डालते हैं, तो जारी बात है वहाँ प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का। तो यहाँ से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम के आखिर तक का जो ये सारा सफ़र है, इसके बारे में आपने एक जो है ना मुख्तसर सी कहानी लिखनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ना एक सिंपल वर्ड्स में इसको तहरीर किया है, ताकि आपके लिए ज़्यादा ये मुश्किल ना हो कि तवील ना हो जाए, और इसमें जो है ना मुश्किल ज़्यादा अल्फाज ना हो। जहाँ तक इसको हम कर सकते थे मुख्तसर वो किया है, ताकि जो है ना मेन इसके जो कॉन्सेप्ट या पॉइंट है वो भी मिस ना हो। तो इसको मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। द जर्नी ऑफ ब्रेड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट एट माउथ। ठीक है जी, ये सफ़र जो शुरू होता है रोटी के नवाले का, वो मुंह से शुरू होता है, यानी मुंह में जब हम नवाला डालते हैं तो ये सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, वो शुरू हो जाता है। बिकॉज डाइजेशन बिगिन इन माउथ, ब्रेड इज च्यूड इन माउथ एंड स्वेलोड। ठीक है जी, ब्रेड की जो है ना चीविंग ग्राइंडिंग होगी, और आखिरकार ब्रेड के जो ज़रात हैं वो लुब्रिकेट हो जाने के बाद उसको निगल लिया जाता है, और वो लंप की शक्ल में बोलसेस बन के, बोलाई बन के, वो जो है ना इस खुराक की नाली के जरिए मैदे तक पहुँचेंगे। ठीक है ना, आफ्टर स्वेलोइंग, आफ्टर स्वेलो इट रीच टू स्टमक थ्रू इसोफेगस। ठीक है जी, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस क्या है, आफ्टर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इट इज़ सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्टमक में जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो हो रहा है ना, उसके बाद ये मटेरियल जो होता है ये कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, इन द स्टमक इट इज़ सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये मटेरियल जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजा जाता है। द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड इज अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। यानी जो ब्रेड के अब डाइजेस्टेड पार्ट जो है ना, स्पेशली डाइजेस्टिव नहीं करेंगे हम इसको, डाइजेस्टिव कर लेते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे ऐसे करके मॉलिक्यूल फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, जज़ब हो जाते हैं, इज अब्सॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक है, इसको स्लैश में हम मटेरियल भी ले सकते हैं, गोज इन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, ये मटेरियल जो बच गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका, वो इन क्यों नहीं हो सका कि डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ ब्रेड इज एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन। आपको मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमने ये ब्रेड फिश जो टेक की है तो साथ में डेफिनेटली चाय ली होगी, दूध लिया हुआ पिया हुआ, या जनाब पानी
डेफिनेटली हमने ब्रेड खाने से पहले या ब्रेड खाने के बाद पिया होगा, तो वो भी जो है ना हमारे सिस्टम में मौजूद होता है। तो लिहाजा ये जो पानी है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ ब्रेड इज़ एब्जॉर्ब बाई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, वाटर जो मौजूद है वो इसे लार्ज इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाता है। ठीक है, एंड सेंड द वेस्ट टू द रेक्टम, और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट है रेक्टम में चला जाता है, जहाँ फाजिल मादे स्टोर होते हैं। रेक्टम स्टोर द वेस्ट एंटिल इट इज़ पुश आउट ऑफ फ्रॉम द बॉडी। रेक्टम में फाजिल मादे स्टोर होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ तक कि एंटिल इट इज़ पुश आउट फ्रॉम द बॉडी, ये जिस्म से खारिज जाते हैं, पखाना बन के, फीसिस बन के। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी आपने लिखनी है, तो इसको तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है। इससे मज़ीद इसको अच्छा लिखा जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक स्केलेटन आपको दिया है, एक बेसिक जो है ना आप यूँ कह लेंगे ड्राफ्ट और मैनुस्क्रिप्ट आपके सामने मैंने पेश किया है। आप बेटा इसको मज़ीद भी अच्छा करना चाहें तो उसमें मज़ीद आप सेंटेंस अपने अपने जो है ना एफर्ट के मुताबिक और अपनी जो है ना मेमोरी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ इसका था जर्नी, क्वेश्चन वन में हम डिस्क्राइब किया। अब आप क्वेश्चन नंबर टू को देखें, क्वेश्चन नंबर टू जो है ना वो हमें क्या एक्सप्लेन कराना चाह रहा है इसमें। तो ये देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने फ़र्क बयान करना है। दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इनमें तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, एक टेबल की फॉर्म में इनकी हेडिंग दी है, एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो पहला पॉइंट आप देखें बेटा इसमें कि कैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे इन दिस टेबुलर फॉर्म। पहला पॉइंट हमारे सामने ये है, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और एन का मतलब होता है बगैर, एन एरोबिक ऑक्सीजन के बगैर। इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें जो है ना ये क्या है, इसमें इसको देखें, ये एब्सेंस है ऑक्सीजन की और ये क्या चीज़ है, प्रेजेंस होगी। ठीक है जी, मेन चीज़ आपने याद रखनी है दोनों में। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीट। इसमें जो है ना वो ना कंप्लीट मुकम्मल नहीं होती ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या होती है, इसमें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, ये आप इसमें डिफरेंस को याद रखें। सेकंड डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है जी यहाँ पे, और जबकि एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है, बहुत कम, काफ़ी कम एनर्जी जो है ना इसमें रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और आखिरी पॉइंट हम इसमें यूँ ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली अकर इन प्लांट एंड एनिमल। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स और एनिमल ज़्यादातर होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, ठीक है ना, यीस्ट और बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है। और जबकि यीस्ट क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल पर मुश्तमिल फंगस का नाम है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में जाके, बैक्टीरिया का और यीस्ट का जो फर्मेंटेशन में रोल है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे। जबकि एरोबिक जो है वो एनिमल व प्लांट में ज़्यादातर होता है, ठीक है, इन दोनों को आप देख लें डिफरेंस में। तो ये हमने इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया, तो वी हैव 1, 2, 3, 4 पॉइंट। तो इसको आप एटलीस्ट 4 पॉइंट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो मज़ीद इसमें कोई पॉइंट हम इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये जनाब जाना बनते हैं 4 पॉइंट। तो इसमें पांचवा पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो ऐड करके हम इसको
यूँ कर सकते हैं कि 10 नंबर का है तो 10 नंबर भी हम इसमें दे सकते हैं, और 5 में अटैम्प्ट 5 का आ जाए तो 5 के नंबर के वाले से भी किया जा सकता है। कम से कम 5 पॉइंट हमारे सामने होंगे। चलिए जी, इसमें 1 पॉइंट में आपके सामने तहरीर कर सकता हूँ। इट हैज कमर्शियल यूज इन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री। इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है जी। और जबकि ये वाला जो है इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में नहीं है, और ये जो है ना कॉमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इट सपोर्ट दी ट्रायल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये देखें, ये पॉइंट भी इसमें ऐड हो सकता है। और उसके बाद एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ, ये ऑप्शनल होगा। इट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। और जबकि ये जो एनारोबिक है बेटा, ये मॉडर्न नहीं है, ये प्रिमिटिव फॉर्म है। जब से दुनिया वजूद में आई है तो जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो शुरू में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो इनमें रेस्पिरेशन ये होता था, अभी होता है, ये प्रिमिटिव फॉर्म है। और जो इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, और जब फिज़ा में ऑक्सीजन इकट्ठी होना शुरू हुई तो उन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ किया जो है ना केमिकल मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन के लिए, और एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई, इसलिए इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ये कमर्शियल यूज़ है इसका। इसमें इसको भी हम देख लेते हैं मेन एक वर्ड के तौर पे, और ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है जी। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने आपके सामने डिटेल से बयान किया। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम जनाब है ना देखते ये हैं कि अपने क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। हाउ डू द डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड बॉडी सेल विद द मटेरियल दे नीड। जी, इसमें 3 तरह के सिस्टम को पूछा गया है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर, कि ये आपस में मिलकर कैसे ये काम करते हैं आपस में मिलके तीनों निज़ाम, तीनों सिस्टम, ताकि पूरे जिस्म के जो खलिए हैं, पूरे जिस्म के जो बॉडी सेल हैं, उनको जो चीज़ चाहिए ये प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारे बॉडी के जितने सारे जो सेल हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए फूड, एनर्जी हासिल करने के लिए, यानी ग्लूकोज चाहिए, मेन फ्यूल सेल का यही होता है, ठीक है ना। सेल का ईंधन ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज तब ब्रेक डाउन होगा जब उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। ऑक्सीजन कौन देगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम देगा। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जहाँ ये बनते हैं अपने अपने सिस्टम में, तो ये पूरी बॉडी के सेल तक कैसे पहुँचेंगे? उसको सर्कुलेटरी सिस्टम पहुँचाएगा ब्लड के जरिए, ब्लड के थ्रू। तो इनको जनाब जनाब ने यहाँ पर डिस्कस किया। पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जनाब जो है ना क्या रोल प्ले करता है? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ठीक हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड
फूड के जनाब कंपोनेंट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को ये क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया और मॉलिकुलर फॉर्म में ले आए। प्लस हम जानते हैं हमारी डाइट के अंदर विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, इन सब को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं अलॉन्ग विद वाटर। अब ये सारे जो है ना कंपोनेंट हमारी फूड के मेजर कंपोनेंट जो है ना, ये क्या होंगे कि ये फूड की बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मौजूद हो गए हैं, ठीक है ना, डाइजेशन के बाद। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए अब तैयार है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट नीडेड बाय बॉडी सेल, ठीक है ना, एंड वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट। तो जो हमने फूड खाया खाते हैं, ठीक है ना, उनसे सारे मॉलिकुलर फॉर्म के जो न्यूट्रिएंट हैं, जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये क्या हो जाते हैं, जजब हो जाते हैं, हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपने पढ़े था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू, ठीक है बेटा, तो ये अब जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल कर किस में आ गए, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए, ठीक है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स बॉडी सेल, ठीक है, ये इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाया ब्लड, तो ये ब्लड के थ्रू करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉलिकुलर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, ब्लड में शामिल होगी और रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होकर ये चली जाएगी ईच एंड एवरी लिविंग सेल ऑफ बॉडी, और वहाँ जाके ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए क्या करती है, रिलीज करती है एनर्जी, मोर एनर्जी रिलीज, ठीक है जी, ये काम है रेस्पिरेटरी का। तो मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ उसको भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड प्योर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सो दैट फूड डाइजेस्टेड बाई द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ब्रोकन डाउन एट सेलुलर लेवल टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है जी। तो ये जो वेस्ट है ना रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी रिमूव करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये था क्वेश्चन 3 जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि जनाब ये 3 क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, हमने यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगे और आपकी जो है ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।